एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कुछ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए हैं विड्रॉल्स को लेकर के, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव 360 की। क्यों? क्योंकि आज भाई है हमारा वेनसडे, मतलब बुधवार का दिन है, तो यहाँ पर ऑन पैसिव 360 होता है, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से ज़रूर निकल के आती है। जैसे कि लास्ट वीक में हालांकि ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल के नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी अगर हमें आती है कुछ ना कुछ, तो बिल्कुल ऑन पैसिव 360 आज का जो है हमें ज़रूर देखना बनता है। क्यों? क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ी भी अभी मिलती है कुछ ना कुछ, खासकर फाउंडिंग मेम्बर के लिए कुछ स्पेशल अगर कुछ अपडेट आती है, तो ऑन पैसिव 360 को ज़रूर यहाँ पर देखना बनता है। और कभी कभी ऐश मुफारे सर भी वहां पर आते हैं, क्योंकि काफी टाइम से जो ऐश मुफारे सर ने कुछ अपडेट नहीं दिए, तो लोगों का एक्साइटमेंट थोड़ा सा बना हुआ है और जो सब्र का बांध है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। लेकिन डोंट वेरी, अगर वहां से कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आती है तो बिल्कुल हमें ऑन पैसिव 360 देखना तो बनता है भाई। तो जब भी आता है इसका कई बार बैक ऑफिस में भी लिंक आ जाता है, तो हम वहां भी जाकर के देख सकते हैं। नहीं भी आता है तो इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं हमें अपने ग्रुप्स के माध्यम से या लीडर्स के थ्रू मिल ही जाती है। तो ऑन पैसिव 360 का हम जो है आज देख सकते हैं, कुछ उसका वेट कर सकते हैं भी। उम्मीद है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन निकल के आए। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं विड्रॉल्स को लेकर के, तो अभी कई लोग ये कंफ्यूज से क्वेश्चन किए गए कई बार इसमें कि सर हमें बैंक विड्रॉल लगाना चाहिए कि नहीं लगे, कि हमें बैंक विड्रॉल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ये उन लोगों ने पूछा है जिन लोगों ने अभी तक अपने बैंक विड्रॉल्स नहीं लगाए हैं, राइट। जैसे कि हमारे कई लोग ऐसे अभी कंफ्यूज इसलिए हैं कि सर उनके बैंक विड्रॉल तो आए नहीं है, जिन लोगों ने काफी टाइम से लगाए तो अभी तक उन्हें बैंक विड्रॉल्स मिले नहीं है, तो क्या अब हमें अपना बैंक विड्रॉल लगा देना चाहिए, राइट। तो मैं बोलूंगा भाई आपको अपने बैंक विड्रॉल जरूर लगा देना चाहिए। देखिए कई लोग इस डर से नहीं लगा रहे कि यार अभी तक उन लोगों के नहीं आए, हमारा और लेट हो गया। तो देखिए आपको अपना बैंक विड्रॉल लगा देने में ही बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके $100 प्लस हैं तो आप बिल्कुल विड्रॉल लगा दीजिए, क्योंकि इसमें जो चार्जेस होता है उसमें $20 से ज्यादा का चार्ज नहीं लगता है। $20 लगेगा, उसके बाद में वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। भला से आपने $100 भी लगाए हो या फिर आपने 200 या 300 या मैक्सिमम जो इसमें $25,000 भी अगर आप लगाते हैं, तो इसमें आपके $20 ही कटते हैं और उसके बाद में अपने जो बैंक अकाउंट में आपका वो आ जाएगा। कब तक आएगा ये पता नहीं, वेट मत कीजिए कि किसी और का बैंक विड्रॉल जब आ जाएगा, जब मैं उसके अकाउंट में देख लूंगा तब लगा लूंगा। अगर आपका $100 प्लस है तो आप बिल्कुल बैंक विड्रॉल लगा लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मुझसे किया गया था, मतलब अभी दो तीन लोगों ने इस बात के लिए मुझसे क्वेश्चन किया है कि हमारा सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट, किसके अंदर हमें जो है विड्रॉल लेना चाहिए। देखिए अभी की कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो आप सेविंग अकाउंट भी हो आपका तो भी उसमें भी आप जो है आराम से बैंक विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जब बड़ा अमाउंट आता है तो डेफिनेटली करंट अकाउंट आपका होना जरूरी है, लेकिन अभी भी इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप आराम से जो है अभी फिलहाल में इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट यहां पर अपना सेविंग अकाउंट जो है उसी में विड्रॉल भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कई लोग इस चीज के लिए भी डर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे जिन्होंने आज तक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, तो उन्हें डर लगता है कि सर जैसा कभी हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आया, बाहर से पेमेंट आता है, तो क्या बैंक वाले कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए इसमें भी हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कई लोग ऐसे फर्स्ट टाइम जो है इस टाइप के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है, और लाजमी भी है कई लोगों के लिए जब पहली बार कोई चीज वो करते हैं तो उन्हें डर लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर में आपके और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, तो इसमें हमें जो है ऐसे नहीं कि भाई आपको डरना है कि भाई हमारा ट्रांजेक्शन जो है इंटरनेशनल आ रहा है तो कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी जो है बहुत सारे ट्रांजेक्शन लोग करते हैं, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करते हैं, बल्कि आपको मैं बता दूं जब भी आप कोई फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये अच्छा भी होता है कहीं ना कहीं, तो आपका इंटरनेशनल पेमेंट आता है तो उसका भी अपना एक वैल्यू होता है, राइट। तो आपके आराम से अभी जैसे ट्रांजेक्शन शुरू होते हैं तो डेफिनेटली जो है गुड न्यूज हमको मिलेगी। जैसे भी किसी का बैंक विड्रॉल आता है तो जरूर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल।